ऐसी लुक आएगी इसकी। सीट कवर चेक कर लो, ये इसकी हाइड्रोडिप है फोर्स कार्बन के साथ अपने टैन। कहाँ पे आएंगे काम कराने फिर? तो डिसेंट कार पे। सो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड एंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो भाई ये व्लॉग देख लो, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो भाई आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं, आज एक स्विफ्ट आई थी अपने पास, उसमें हमने बेस मॉडल थी वो, उसमें टॉप मॉडल की हेडलाइट इंस्टॉल करी है। सेकेंड हैंड थी भाई, मेरे पे पड़ी हुई थी तो मैंने वो इंस्टॉल कर दी थी उसमें। प्लस भाई अपने स्पर्श भाई वाली अर्टिका का इंटीरियर ऑलमोस्ट सारा रेडी है, तो वो भी उसका सारा दिखा दूंगा मैं उसमें कि हमने उसमें क्या क्या करा है, क्योंकि दो वीडियो हो चुकी हैं, दोनों वीडियो में उसका इंटीरियर ढंग से दिखाई नहीं पाया, तो अब उसका प्रॉपर जो है इंटीरियर का ओवरलुक दे दूंगा आपको। प्लस भाई अपने विशाल भाई आएंगे ब्रेजर लेके, उसमें भाई दो 5500 BA के चार मिड और आगे फ्रंट पे अपने दो 3 इंची वाले मिड और दो एम्पलीफायर, ये इंस्टॉल कर रहे हैं। बजट ऑडियो सेटअप है, जो भी मेरा भाई बजट में सिस्टम लगवाने की सोच रहा है ना भाई, ये वीडियो देख लो, तुम्हारी कहानी हल हो जाएगी, क्योंकि मात्र 30 से 35 हज़ार रुपये में भाई वो सिस्टम लग गया और क्या बज रहा है भाई वो। तो भाई वीडियो देख लो, पहले ही लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो। तू भी आ जा, तू भी आज मेरे साथ फुटेज खा लूं क्या? आज स्टार्टिंग में ही तू मेरे साथ है भाई, मैं हमेशा स्टार्टिंग में रहता हूं, वो तुझे मैं पीछे नहीं करना चाहता जानबूझकर। अच्छा। भाई का नाम कम हो। अच्छा ठीक है भाई, हंसी मजाक चलता रहता है, मैं कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलता रहता हूँ, उस सबको इग्नोर करो, काम पे फोकस करो, चलो। तो ये है भाई वो अपनी स्विफ्ट जिसके बारे में बता रहा था। अपने पास ये वाली लाइट पड़ी हुई थी टॉप मॉडल वाली, किसी भाई की उतरी हुई थी, तो भाई को दे रहे हैं। इनकी पुरानी लाइट ये पड़ी हुई है, तो ये चेंज करके ये VXI मॉडल है, इसमें हम डाल रहे हैं ZXI प्लस वाली लाइट और इसमें डायमंड आई भी हो रखी है। तब इसको इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद इसकी लुक दिखाता हूं एक बार, और सारा काम कपलर टू कपलर है, इसके प्रॉपर कपलर आते हैं वो भी दिखा दूंगा एक बार। तो ये लो भाई, कर दी इसमें इंस्टॉल एकदम प्रॉपर कपलर टू कपलर के साथ। ये देखो चेक करो, यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा इसका कपलर, ठीक है, ये सारी इसकी वायरिंग है, अभी इसे सब अंदर कर देंगे। एक बार जलाना भाई पार्किंग, जल गई भाई इसकी पार्किंग, ये जल गई इसकी डायमंड आई, ठीक है जी। अभी दिन है तो दिन में हेडलाइट जला के रोशनी दिखाने को फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी वाली लाइट है, कोई आफ्टर मार्केट LED इसमें डलती नहीं है, तो ये तो ऐसे ही जलती है। प्रॉपर फिटिंग विटिंग कर देते हैं, और अगर रात में दिखाऊंगा तो ये देखो ब्राइटनेस कम करके ऐसी लुक आएगी इसकी, ये हो गई, ये देखो ठीक है, बढ़िया लग रही है भाई, लुक बदल जाती है वाली लाइट लगते ही। और बात करूँ अर्टिगा की, अर्टिगा का काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, स्पर्श भाई हमारे बहुत परेशान है, खुली हुई है अभी। क्या ढूंढ रहे हो? सामान देखो क्या, ये तो निकाला नहीं तुमने, क्या करना है इसका? ये डिप नहीं होने थे, ये कब बोले तुमने डिप करने को? ये डिप तुमने भेज दी, ये अब तुमने बोले ही नहीं, करा दूंगा। जब ये सारे डिप हो रहे हैं तो लग से भाई ये भी डिप होंगे। चलो ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी, ठीक है खोल लेंगे, करा देंगे यार। तो ये रही भाई अर्टिगा, अर्टिगा का काम दिखाऊं, ये चेक करो भाई, सबसे पहले इस कलर का इसका इंटीरियर है भाई, ठीक है, ये इसकी हाइड्रोडिप है फोर्ज कार्बन के साथ अपने टैन कलर के, इस पर स्प्रिंकल्स हैं, ठीक है, ये चेक करो। बाकी सीट कवर वगैरह इसके बन चुके हैं, थोड़ी बहुत सीटें चढ़ चुकी हैं वो मैं दिखा देता हूँ। गत्तों पे इसके भाई पैक, मतलब इसके गत्ते पैक होने चालू हो रहे हैं। ये इसकी छत है भाई, एक तो छत इसकी कितनी बड़ी है, 4-4.5 मीटर की लंबी तो छत ही है, ये छत इसकी हो गई है तैयार, इसको लगा देंगे इसमें। इंटीरियर यहाँ से दूर से चेक करो तो ऐसा लग रहा भाई, अभी इसमें काफ़ी काम है भाई, जैसे अभी स्टेयरिंग वगैरह भी है वो अगली बार करेंगे, क्योंकि आज इतना ही काम करना था, बाकी अभी पीछे गत्ते वत्ते सब लगा देंगे, सीट वीट खोल रहे, उसके बाद दिखाता हूँ मैं इसका जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है। बाकी हाइड्रोडिप ज़रूर बताना भाई कैसी लगी, नई तरीके की है ये, चेक कर लो। तो भाई अर्टिगा का सारा काम कंप्लीट कर दिया, मतलब सारा तो नहीं, मोस्टली सारा काम कंप्लीट है। अब एक बार लुक दिखा देता हूँ भाई सारी, ये चीज़ मैं आपको पहले ही दिखा चुका था, ये चीज़ भी आपको पहले ही दिखा चुका था, सीट कवर नहीं दिखाया था, सीट कवर चेक कर लो। ये है भाई इसका डिज़ाइन, ये नया डिज़ाइन है, ये हमारे स्पर्श भाई ने दिया था तो उनके अकॉर्डिंग ही बनाया है, ठीक है। डिप की क्वालिटी वगैरह चेक कर लो, पीछे की सीट दिखाऊं, ये पीछे का लुक हो गया, ये हो गई भाई पीछे की सीट इसकी, ठीक है, और ये हो गई थर्ड रो, और यहाँ से लुक चेक करोगे। अभी इसमें जो काम रह रहा है वो रह रहा है भाई डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच करना है,
स्टेयरिंग अभी अजीब लग रहा है क्योंकि उस पर भी सिम इसी कलर का स्टिचिंग होनी है, ठीक है। और एक दो काम और था, अरे हाँ, और इसकी छत भाई सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये चेक करो, ये लुक चेक करो छत की, और इसके पार्ट्स की फिनिशिंग चेक कर लो। ये सब मैट में कराया मैंने ना, लाइट जलाता हूँ रुको, अब देखो ठीक है, ये सब मैट फिनिश में करवाया भाई, तो इसकी वजह से इसकी लुक ना बहुत अच्छी आ रही है। आगे से दिखाता हूँ एक बार, पिलर्स चेक करो, पिलर्स ये देखो, फिनिश चेक करो इसकी, ठीक है, हेडलाइनर है भाई प्रॉपर, ये चेक करो। स्पर्श भाई कहाँ है, इनसे मिला। अरे तुम कैसे ऐसे बिल्कुल डरे डरे से घूम रहे हो, सब झूठ है। बस स्पर्श भाई क्या हाल है, बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनो तो कैसे, फिर क्या करा दिया गाड़ी में, बस करवा दिया, कुछ लोग कह रहे थे ना अर्टिगा गाड़ी कौन बनवाता है, मुंह पे जवाब है उनके, तुम बनवा के दिखा दो और ये तो भाई ज्यादा सेंसर्ड है। बढ़िया मजा आ गया काम में, मजेदार है, वो जो हमने रील लेके उसके आसपास पहुंच गए ना, लेके आया था उससे बल्कि डबल ही हुआ है, बढ़िया। और हाइड्रो डिप हमने उससे अच्छी करा दी, बिल्कुल अच्छी करवा दी, नॉर्मल कार्बन फाइबर वुडन उस पे नहीं गए, न्यू चीज लाए हैं। वो पता नहीं क्या अजीब से टैन कलर की लोग हाइड्रो डिप करा रहे हैं, वो तो अपने समझ में आती नहीं, हमने अलग ही कराई है, आधा मुझे पता था, आधे से ज्यादा लक्ष्य भाई ने मेरे को गाइड कर दिया, तो ठीक है मजा आ गया ना, बढ़िया एकदम। कहाँ पे आएंगे काम कराने, फिर आने तो डिसेंट कार्स पे। One eternity later. तो ये लो जी भाई, टाइम दिखाऊं टाइम क्या हो रहा है, एक सेकंड, सबसे पहले टाइम जरूरी दिखाना, तो मेरे इस फोन की बुरी हालत है। टाइम देखो 11:52, और हम कर रहे हैं भाई एक वरना है हमारे सूरज भाई की, इनकी गाड़ी की लाइटें कस्टमाइज, तो भाई खोल ली है भाई, प्रॉपर तरीके से खोल ली है, बिडिंग विडिंग सब ओके है इसकी, चेक कर लो देखो, नहीं तो बहुत से लोग जब हेडलाइट खोलते हैं ना तो तोड़ देते हैं सब, लेकिन भाई अपना तरीका थोड़ा अलग है, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन बिडिंग विडिंग कोई टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। सारे लॉक प्रॉपर हैं, लाइट हमने प्रॉपर खोल ली है, अब इसको कर देते कस्टमाइज और एक बार दिखा दे फिर आपको इसका लुक, वरना फ्लूडिक वाली वो मॉडल है भाई ये, इसमें देखते हैं क्या लुक आती है भाई, पहली बार करने वाला हूँ मैं अभी भाई, 12 बज रहे हैं, रात को भी ये काम करने पड़ते हैं भाई, क्या करें, मेहनत ही इतनी है। और अपने जो भाई बंधु हैं, क्योंकि हम तो सबको भाई मानते हैं भाई जो अपने पास आता है, तो भाई ये सब कर चीज़ें करनी पड़ती हैं, रात बेरात भी काम करना पड़ता है, सब करना पड़ता है भाई, तो चलो करते हैं भाई इसका काम। The next day. तो भाई रात को वरना की लाइट जो है कंप्लीट कर दी थी, एक बार वो दिखा दूंगा, बाकी भाई अपने पास विशु भाई की ब्रेज आई है, इसमें भाई छोटा सा ऑडियो सेटअप कर रहे हैं, 4 मिड डाल रहे हैं, आगे इसमें हम फ्रंट में जो है अपने वो 3 इंची वाले मिड डाल देंगे, 2 एम्पलीफायर लगा देंगे और एक डबल 5500 RMS की पेटी लगा देंगे इसमें, ठीक है भाई। बलिनो भी दिखाऊंगा भाई, अब अगली वीडियो इसी की है, इसका भी सारा काम कंप्लीट हो ही गया है मोटा मोटा, तो इसका सेटअप दिखा के फिर इस वीडियो करेंगे ख़त्म। ये बैठे हमारे सारे भाई, आज सब क्या 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 कौन कौन क्या क्या कराने आया है ये बताओ, वर्टस को दिखाऊंगा अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो आप वर्टस तैयार कराने हो, तुम क्या करने हो? मैं 6 LBM लगा रहा हूँ गाड़ी में। क्या MK3? वो छोटी चीज आती है। अभी विशु भाई तुम क्या करने हो? हमारा तो थोड़ा सा काम है बस गाड़ी में। हाँ 1000 RMS थोड़ा सा हो गया। अब तो थोड़ा सा ही है। रवनी भाई तुम क्या करने आए हो? सबको सपोर्ट करने आया हूँ। तो भाई इसमें लगाते सेटअप, उसके बाद इसकी आउटपुट सुनाता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत इनकी एक तो जिंदगी की है, हम लगाते ढंग से एम्प यहाँ पीछे, लेकिन इन्हें एम्प ही नहीं दिखाने, क्या बापू तोड़ेगा, नहीं कह रहा शोबाजी नहीं करनी यार, फ्लेक्स हो जाएगा बिन बात का। सब कुछ इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। स्टॉक है ये, स्टॉक में ऊपर आए थे इसमें 2 BA के, जेड ब्लैक के लिए अलाउ कराओ और भी चीज। हाँ गाड़ी जेड है, स्विचर नहीं लगा रहे, जेड ब्लैक कर सकते, जेड ब्लैक करा सकते, नाइस परमिशन सबको मिलनी चाहिए, जस्ट दिल्ली पुलिस थिंग्स। तो ठीक है अभी मैं काम करता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ। तो भाई ब्रीजा का सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब एक बार इसकी आउटपुट सुना देता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, NCS चलाओ कोई। ये लगाया भाई इसमें मिशिगन के सुपर ट्विटर लगाया भाई मिशिगन के हमने इसमें। और नकुन भाई क्या हाल है, कैसे चित पड़े हो तुम आज भाई, थक गए? अरे कोई भी लगा दे, अरे वो लगाओ ब्लैक स्विफ्ट तरुण, हाँ अभी सुनाते भाई, हेडफोन लगा लो,
चार मिनट डल गई भाई डीएसए टीम की और अपने मिशिगन के वो और एक एमटीएक्स का 1500, एक मोबाइल ऑडियो का एम्प और दो वूफर। तो चलो भाई सारे भाई इनकी गेल, अब आपको आउटपुट सुना देते हैं। ये लो भाई। रिव्यू टाइम। बढ़िया बज रहा है भाई। बुराई तो मेरी कर भी नहीं सकते। हम तो कर भी देंगे, कोई बात नहीं है, पर बुराई का भाई। लेकिन बस इसमें एक चीज बेकार लगी मेरे को, इसमें ना दोनों एम्प हमें यहाँ लगाने पड़ गए थे, इसकी वायरिंग सब मैसी हो रखी है। ये काम मैं करता नहीं हूँ, बस इनके लिए कर दिए, ये तो कई सालों पहले करके छोड़ दिए। और ये गाड़ी कितनी बार धुलेगी एक दिन में? चार बार धुल चुकी है सुबह से, पता नहीं क्या कर रहा है ये। मैं भी धुलवा लेता हूँ अपनी। चलो तो ये लो भाई, खत्म हो गया यहाँ पे व्लॉग भाई। इतना ही सफर था यार, बस इतनी एंजॉयमेंट दे पाऊंगा मैं तुम्हें। तो भाई कमेंट में जरूर बताओ मेरे को कि कैसा लगा भाई आज का व्लॉग। शॉर्ट और सिंपल व्लॉग था भाई, ज्यादा कोई हबड़ दबड़ का काम नहीं दिखाया हमने इसमें। और एक चीज अभी बता रहा हूँ, मैं हाइप बना रहा हूँ भाई, बलिनो की हाइप बना रहा हूँ, जो नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया गया, पूरे इंडिया की सबसे। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ऐसी गाड़ी पूरे इंडिया में हुई ना, तो आपको मेरी दुकान से 5000 का सामान फ्री मिलेगा भाई। और ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे। मन्नू भाई का पहले दुकान तो सुन लो किस चीज के, वो तो बता दे भाई। मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद से मरने के बाद तक का सामान मिलता है। ठीक है भाई, पूजा पूजा तो पूजा पाठ का सामान है, भगवान रिलेटेड आइटम देंगे 5000 की। भाई हाइप बना रहा हूँ भी, ऐसी बलिनो नहीं देखी होगी, ऐसा ऑडियो सेटअप कहीं नहीं देखा होगा, सिर्फ मूवीज में देखा होगा भाई। तो वही भाई रियलिस्टिक करने वाले हैं, इंस्पिरेशन हमारे बहुत भाई हैं। इंडिया में भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो इस तरीके से तैयार हो रखी हैं, उन सबको देखने के बाद, अपना दिमाग लगाने के बाद, ये जो जाट बुद्धि है ना ये लगाने के बाद, वो गाड़ी तैयार करिए भाई। नेक्स्ट व्लॉग उसी का ही आने वाला है, स्टे ट्यून्ड हो जाओ। कुर्सी की पेटी, पैंट की पेटी, पैंट के बक्कल, बेल्टे बुल्टे सब कस लो, सब कस लो, तैयार हो जाओ भाई जो बलिनो आने और जिससे ना कसा जाए तो आ जाना डिसेंट गैस पे, हम नट भी कस देंगे। अच्छा भाई। तुम्हारी बेल्ट में नट कस देंगे भाई। तो ठीक है, अब अगर ये व्लॉग अच्छा लगा किसी भी पॉइंट पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और हाँ यार एक चीज बताना भूल गया, पैसे बताना भूल गया, जो टॉप मॉडल की लाइट थी भाई जो सेकेंड हैंड बेची थी वो 15000 रुपए की बेची थी। और किसी भी मेरे भाई को लगवानी हो तो बता देना, अगर सेकंड हैंड होगी मेरे पास तो अरेंज कर दूंगा, नहीं तो नई लाइट भाई 35-36 हज़ार रुपये की है। और अर्टिका का जो इंटीरियर था भाई वो कॉस्ट करेगा आपको हाइड्रोडिप और इंटीरियर जितना भी था अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है, वैसे अभी जितना काम करा वो 40-50 हज़ार रुपये के बीच कॉस्ट करेगा। बाकी लाइटें वाइटें सब उसमें सेपरेट होंगी जो आगे मैं उसमें काम करूँगा, सिर्फ इंटीरियर की कॉस्टिंग बता रहा हूँ। और जो हमने ऑडियो सेटअप करा वो 40 हज़ार रुपये का था भाई सारा, जो मैंने आपको सामान दिखाया लगा है। तो ठीक है भाई, किसी भी मेरे भाई को कोई क्वेरी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर दोनों है, कॉन्टैक्ट कर लो, इंस्टा आईडी है, कॉन्टैक्ट कर लो। 24/7 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो घंटा भाई के, भाई घंटा जैसे फोन ना उठाए तो भाई की दुकान के ऊपर ही उनका घर है, भाई को आके दुकान पे आके पहले रुक जाना, सुबह आ जाना, अगर लेट आओगे तो गाड़ी में हो सकता है काम ना हो, लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे आ गए भाई के पास तो भाई बिल्कुल काम करके देंगे आपको। मेरी गाड़ी ऐसी करता है। एक चीज हो रहा है भाई, मेरे ना बहुत से भाई फोन पे पैसे पूछते रहते हैं, रेट पूछते रहते हैं भाई, प्लीज कह रहा हूँ परेशान करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ सीरियस बंदे भाई। ये सिर्फ फोन पे भाई ये कितने का है वो कितने का, ये मार्केट रिसर्च करने के लिए मेरे को फोन मत करो भाई। काम कराना हो तो डिस्टर्ब करो, या जेन्युइनली किसी चीज के बारे में नॉलेज जाननी हो तो भाई फोन करना या व्हाट्सएप करना, बेफालतू में भाई प्लीज परेशान मत करो, कोई फायदा नहीं है, अपना भी टाइम खराब करोगे मेरा भी करोगे। क्योंकि मैं भाई बिल्कुल जेन्युइन आदमी हूँ, मेरे से नहीं होती लल्लो चप्पो किसी की भी। तो भाई प्लीज जेन्युइन बायर्स जो है वो ही करें। झूठ बोल रहा है क्यों भाई? बोल रहा है बस,
अरे चलो यार खत्म कर दे, चलो ठीक है, सिर्फ जेन्युइन बायर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, जस्ट लाइक मी भाई, हां लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बाय 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 बाय।